हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का जो पहला चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला जो टॉपिक है आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ जो एक कैरेक्टर है आपका बूजो, वो सोच रहा है कि वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि हमारे अर्थ में जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सर्टन जो इन्वायरमेंट होता है उस पर ही ग्रो होता है। यहाँ पे आपका गिवन पैडी है, आपका जो पैडी है एक खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है जिसको बोने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी वजह से हम लोग खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन में ही ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। अब आपका जो नेक्स्ट है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। खेती करने के लिए जो फार्मर होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना होता है। यू मे फाइंड डेट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैराइड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। अगर हम लोग अपने घर में या फिर जो गार्डनर है किसी भी प्लांट को अगर वो बोने की कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सारा आपका जो एक्टिविटीज़ है करना होता है, जैसे कि फार्मर खेती करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ को करता है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करते हैं इसी को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। अगर हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की डिफिनेशन की बात करें, आप लिख सकते हो ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर डू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर हम लोग बेसिकली 7 स्टेप को करते हैं। हमारा जो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। हम लोग जो मिट्टी को तैयार करते हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं। आप इस इमेज के थ्रू समझो कि हम लोग कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं। जब आपका मिट्टी तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग बीज को बोते हैं, यानी सोइंग करते हैं। हम लोग जो मिट्टी आपकी तैयार हो चुकी है इस तरह हम लोग जो बीज या जो सीड है उसको मिट्टी के अंदर डालते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम लोग करते हैं, जो आपका एंशिएंट टाइम जो था उसमें हम लोग अपने हाथों से या फिर हम लोग किसी जानवर का यूज़ करके करते थे, लेकिन अभी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं किसी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करने के लिए। सोइंग के बाद जब आपका प्लांट थोड़ा सा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग उस फील्ड में मैनुअर को ऐड या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हो, जब आपका क्रॉप थोड़ा सा ग्रो हो जाता है हम लोग फर्टिलाइजर को अपने खेतों में छिड़कते हैं। जब हम लोग मैनुअर को क्रॉप फील्ड में ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं, यानी अपने खेतों में हम लोग पानी को पटाते हैं। इरिगेशन भी हम लोग अलग अलग टाइप से करते हैं जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लो, आपका जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर जो स्टेप होती है किसी किसी क्रॉप फील्ड में हम लोग इसको हम लोग आगे पीछे करते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरा कि जैसे कि हम लोग पहला स्टेप देखे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लेकिन अगर आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो हम लोग सबसे पहले उस फील्ड में इरिगेशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप क्या हो गया इरिगेशन का। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो ढीली हो जाती है, उसके बाद हम लोग आसानी से मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। जब आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसमें हम लोग मैन्योर को ऐड कर लेते हैं। मैन्योर बेसिकली हम लोग एनिमल एक्सक्रीट को कहते हैं, यानी आपका काउ डंग हो गया जिसे हम लोग गोबर कहते हैं। काउ डंग को हम लोग खेत में छिड़क देते हैं, आपका जो मिट्टी है उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए। उसके बाद हम लोग उस फील्ड में बीज को बोते हैं, यानी सोइंग करते हैं। तो जो आपका स्टेप होता है वो आगे पीछे होते रहता है। कभी कभी हम लोग सोइंग के बाद इरिगेशन करते हैं, उसके बाद मैनुअर या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। यहाँ पे जो वीड्स है, वीड्स का मतलब हो गया आपका अनवांटेड प्लांट। मान लो यहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ जो रेड कलर है मान लेते हैं कि कोई क्रॉप्स है जिसको हम लोग उगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जैसे क्रॉप्स का ग्रोथ होता है वैसे वैसे जो फील्ड है इसमें अनवांटेड प्लांट जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर से है वो भी उगना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लो हम लोग जो यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज किए तो इस पूरे जो फील्ड है उसमें हम लोग फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट जो आपका बन रहा है जो यहाँ पे रेड कलर का प्लांट है वो भी ले रहा है, और साथ साथ जो यहाँ पे ब्लैक कलर का प्लांट है वो भी इस फर्टिलाइजर या इरिगेशन का यूज कर रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा,
तो कंपटीशन जब टफ हो जाएगा तो आपका जो न्यूट्रिएंट है जो रेड कलर का क्रॉप है उसको भी मिल रहा है और जो ब्लैक कलर का क्रॉप है उसको भी मिल रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का क्रॉप है उसका रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं होता क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट है, ये अपने आप किसी भी फील्ड में हो जाता है, उग जाता है। तो इसको यहाँ से रिमूव करना जरूरी है, नहीं तो होगा क्या, जो न्यूट्रिएंट है वो तो बढ़ जा रहा है आपका, तो जो हमारा जो मेनली जो क्रॉप है जो रेड कलर का है उसको न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस वीड्स को हटाते हैं। इस वीड्स को हटाने के हम लोग वीडिसाइड यानी हम लोग यहाँ पे केमिकल का भी यूज करते हैं, या फिर हम लोग पहले पेज में टूल्स को दे गए थे जिसमें एक टूल्स का नाम था खुरपी, उसी खुरपी का हम लोग यूज करके ये जो यहाँ पे अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव करते हैं। तो पहले के जमाने में हम लोग खुरपी का यूज करते थे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल का यूज करते हैं और इस अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, जब आपका फसल पक जाता है तो उसको हम लोग काट लेते हैं, उसी को हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी फसल को काटना। अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करें तो जो आपका हार्वेस्टिंग होता था, आपका हार्वेस्टिंग इस सिकल जो आपका टूल्स है उसका यूज करके हम लोग फसल को काटते थे। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, फसल काटने के लिए भी ऐसा एक मशीन आ गया है जिसमें बहुत इजीली आपका जो फसल है वो कट जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग जो फसल को काट लेते हैं उसको उसके बाद हम लोग स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद या तो उसको हम लोग मार्केट में बेच देते हैं या फिर हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनी या फिर फैक्ट्री है ग्रेन को बड़े बड़े जो गैलन है उसमें स्टोर करता है, जो आपका गैलन होता है बेसिकली स्टील का बना होता है उसमें ग्रेन को स्टोर करता है। जो आपका गैलन होता है उसको हम लोग सिलोज कहते हैं। आपकी अनाज मंडी होती है जो कि आपका हर एक गांव में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें आपको नजर आ जाएगा। वहाँ पे जो आपका जूट का जो बोरा होता है उसके अंदर जो ग्रेन होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। आप गांव से बिलोंग करते हो या कभी आपने गांव गए होगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जरूर नजर आता होगा। आपका ये लकड़ी का बना होता है, इसके अंदर हम लोग अनाज या ग्रेन को रखते हैं। आपका जो ये अपर पार्ट होता है ये बेसिकली ढक्कन होता है, इसको हम लोग ओपन करते हैं और अनाज को निकालते हैं। या फिर आपको ऐसा झोपड़ी नुमा घर जरूर नजर आता होगा, इसमें भी आपका अनाज को हम लोग रखते हैं। या फिर आप ऐसा स्ट्रक्चर मिट्टी का बना होता है जरूर आपने देखा होगा, इसके अंदर भी हम लोग ग्रेन्स को रखते हैं। आपका जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले आपका जो पहला स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। एग्रीकल्चर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टास्क है, कौन सा टास्क है, कि आपका जो मिट्टी है उसको पलटना और उसको ढीला करना, या हम कह सकते हैं भुरभुरा बनाना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, यानी हम मिट्टी को जितना ढीला बनाएंगे आपका जो फसल का जड़ होता है उतना ही मिट्टी के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली, आपकी जो ढीली मिट्टी होती है वो रूट को अलाउ करती है कि आप आसानी से सांस ले सको। इवन वेन दे गो डीप इन टू दी सॉइल, यहाँ तक कि जो आपकी फसल की जो जड़ होती है वो चाहे जितना भी अंदर पेनिट्रेट कर जाए, अगर आपकी मिट्टी ढीली होगी लूज होगा तो आसानी से आपका जो सांस है वो ले सकता है। यानी हम कह सकते हैं जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है लूज सॉइल में आसानी से हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली, कह सकते हो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है कि आपका जो ढीली मिट्टी होती है वो कैसे किसी भी फसल का जो रूट होता है उसको आसानी से सांस लेने का अलाउ करती है। आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कुछ पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे जो पहला पॉइंट है आपका, मिट्टी के अंदर जो आपका माइक्रोब्स या जो अर्थवर्म्स प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ढीली मिट्टी में ही जो आपका एयर होता है उसको ट्रैप करके रखता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका न्यूली ग्रोइंग प्लांट होता है वो जो ईयर को प्रोड्यूस करता है, जो आपका ढीली मिट्टी या जो फिर लूज सॉइल होता है उस ईयर को ट्रैप करके रखता है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो ढीली मिट्टी है या जो लूज सॉइल है अपने आप में ही बहुत सारे ईयर को ट्रैप करके रख सकता है,
यानी हम कह सकते हैं लूज सॉइल का मतलब क्या हो गया, जो आपकी ढीली मिट्टी होता है या जो लूज सॉइल होता है उसमें आपका गैप होता है, उसी गैप में आपका जो ईयर होता है वो प्रेजेंट होता है और वही ईयर आपको जो उसके अंदर जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसको देता है। यही जो कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, द लूजनेस सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो आपकी ढीली मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो अर्थवर्म माइक्रोब्स जो पहले से ही प्रेजेंट होता है उसको ग्रोथ उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो आपका अर्थवर्म या जो माइक्रोब्स जो आपके जो सॉइल के अंदर पहले ही प्रेजेंट होता है उसको हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं। फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों कहते हैं, मिट्टी को टर्न करता है और उस मिट्टी को ढीला करता है, भुरभुरा बनाता है और साथ ही साथ उसमें ह्यूमस को ऐड करता है। आपका ह्यूमस क्या हो गया, हम लोग ह्यूमस को कह सकते हैं जो आपका डेड प्लांट या फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसको ये जो आपका माइक्रोब्स या जो अर्थ वर्म्स होता है उसको डिकम्पोज कर देता है और उसी मिट्टी में मिला देता है, जिसके वजह से उस मिट्टी को आपको न्यूट्रिएंट मिलता है और वही न्यूट्रिएंट जो आपका क्रॉप्स होता है उसके लिए फायदेमंद होता है। इसी वजह से हम लोग अर्थ वर्म या फिर माइक्रोब्स को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। बेसिकली वो दो काम करता है, एक तो मिट्टी को पलटता है और उसको ढीला करता है, जिसके वजह से जो उसे बहुत सारा जो एयर होता है वो ट्रैप हो जाता है और फिर दूसरा क्या करता है कि उस मिट्टी के अंदर जो भी मरा हुआ जो चीज होता है उसको डिकम्पोज करके उसी मिट्टी में फिर से मिला देता है, जिसके वजह से उस मिट्टी को न्यूट्रिएंट मिलता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि व्हाई अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर, तो आप ये दो पॉइंट लिख सकते हो। फिर आपका जो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट व्हाई दिस सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज, कि हम लोगों को क्यों जरूरी होता है उस सॉइल को पलटना और उसको ढीला करना। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे आपका चार पॉइंट है, इस चार पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका ढीली मिट्टी होगी, ढीली मिट्टी आपको जो क्रॉप का रूट है उसको अलाउ करती है कि आप जमीन के अंदर तक जाओ। पहला पॉइंट यही आप लिख सकते हो, लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली डीपर इनटू द सॉइल। दूसरा पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, लूज सॉइल में ही जो आपका रूट होता है वो इजिली ब्रीथ कर सकता है। आपका दूसरा पॉइंट हो गया, द रूट कैन ब्रीथ इजिली इन लूज सॉइल। जो तीसरा पॉइंट है, आपका जो ढीली मिट्टी होगा इसकी वजह से जो रूट है बहुत अंदर तक आपका जा चुका है, रूट जितना अंदर तक जाएगा उतना ही वो मिट्टी को जगड़ के रखेगा, जिसके वजह से जो आपका प्लांट होगा वो बहुत ही स्ट्रांगली आपका जो अर्थ या जो सॉइल सराउंडिंग में उसको पकड़ के रखेगा, तो आप कह सकते हो कि वो बहुत जल्दी उखड़ेगा नहीं। अगर आपका रूट ऊपर में होगा तो थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा तो आपका जो प्लांट है या जो आपका क्रॉप्स है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो रूट है वो अंदर की ओर जाए। द डीप रूट होल्ड द प्लांट मोर फर्मली। जो चौथा पॉइंट आपका, द वाटर ऑल्सो कैन रीच इजिली अप टू मोर डीप इन लूज सॉइल। तो आपका अगर मिट्टी ढीली होगी, यानी हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी के अंदर गैप होगी उसी गैप के थ्रू आपका जो पानी है वो अंदर तक क्या पेनिट्रेट होते जाएगा, वो अंदर तक इजिली पहुंचते जाएगा, जो कि आप कह सकते हो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे चार पॉइंट है, आपको चार पॉइंट याद रखना है। जो क्वेश्चन है, बट व्हाई दिस सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज, तो ये चार पॉइंट आप लिख सकते हो। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स वाटर एयर एंड सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आपका सॉइल है उसके अंदर बहुत सारा मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है और आपका कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि अभी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, अर्थ वर्म्स और आपका माइक्रोब। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। उसके साथ ही साथ आपका जो डेड प्लांट होता है और एनिमल होता है जो कि जमीन के अंदर होता है उसको डिकम्पोज करता है जो आपका सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या माइक्रोब्स होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक काम तो आपका क्या हो गया कि जो डेड प्लांट या एनिमल है उसको डिकम्पोज कर लेना। अब दूसरा हम लोग कह सकते हैं जो आपका नाइट्रोजन जो एयर होता है, गैस होता है, उसको फिक्स भी करता है। इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो आपका जो यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको जो उस जमीन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या माइक्रोब्स या फिर अर्थवर्म होता है उसको डिकम्पोज कर देता है,
जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर सॉइल में आ जाता है और उस सॉइल के थ्रू जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट में वापस चले जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। आपका जो सॉइल होता है, मान लो ये आपका सॉइल है, तो पूरे मिट्टी के अंदर आपका न्यूट्रिएंट या हम कह सकते हैं मिनरल वाटर ये नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही आपका जो मिनरल्स हो गया या हम कह सकते हैं जो प्लांट ग्रोथ में सपोर्ट करता है वो रहता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो मिट्टी को ढीला करते हैं और उसको हम लोग टर्न करते हैं। मिट्टी को टर्न और ढीला करने से क्या फायदा होता है, जो आपका यहाँ पे मान लो जो न्यूट्रिएंट होता है वो ऊपर आ जाता है और वही न्यूट्रिएंट जब हम लोग किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं या हम लोग किसी भी सीड को बोने की कोशिश करते हैं तो इजिली उस सीड को वो न्यूट्रिएंट मिल जाता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल को ढीला करना, उसको घुमाना, पलटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग। यही आपका जो प्रोसेस होता है जिसमें हम मिट्टी को पलटते हैं या फिर जो ढीला करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग टिलिंग या फिर प्लाउइंग कहते हैं। प्लाउइंग आप हिंदी में कहो तो जोतना कह सकते हो, खेत तो जोतना जो हम लोग कहते हैं, तो वही आपका प्लाउइंग हो गया। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। हम लोग जो प्लाउइंग करते हैं जिसके थ्रू करते हैं उसको हम लोग प्लाउ कहते हैं। प्लाउ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो हल को आपने जरूर देखा होगा या जहाँ पे खेती हो रही है तो आप बैल के पीछे इस टाइप का आपका हल जरूर आपको नजर आएगा। हल देखो यहाँ पे लकड़ी का बना होता है और यहाँ पे थोड़ा सा आपका लोहे का बना होता है, नोकीले टाइप का होता है। इसी नोकीला से जो ये मिट्टी होता है उसको हम लोग टर्न और लूज करते हैं। या फिर अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग इस ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग प्लाउइंग करते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग। अगर आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा सूखी है तो हम लोग प्लाउइंग करने से पहले उसमें पानी दे देते हैं जिसके वजह से जो आपकी मिट्टी है वो गीली हो जाती है, उसके बाद हम लोग इजिली उस पर प्लाउइंग करते हैं। द प्लाउड फील्ड में है बिग क्लंप्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जब हम लोग खेत को जोतते हैं तो उसके बाद आपका बहुत बड़ा बड़ा जो मिट्टी का ढेला इस टाइप का जो है आपको नजर आता है, इसी को हम लोग क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। जो आपका क्रम्स होता है उसको तोड़ना हम लोगों के लिए जरूरी होता है। उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर नुमा लकड़ी का एक बना हुआ चीज होता है उसको हम लोग बैल या जो जानवर होता है उसके पीछे बांध देते हैं और उसमें हम लोग कुछ लोगों को बैठा देते हैं। उसके बाद उसको उस फील्ड पे चलाते हैं या फिर हम लोग ट्रैक्टर का भी यूज करते हैं। इसमें हम लोग दो चार लोगों को इस पे बैठा देते हैं, उसके जब ट्रैक्टर चलती है तो उससे जो बड़ी बड़ी जो क्रम्स होता है वो टूट जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सॉविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। हमारा जो खेत होता है उसको हम लोग लेवल करते हैं यानी समतल एक जैसा बनाते हैं, वो हमारे लिए फायदा होता है सॉविंग के लिए और फिर हम कह सकते हैं इरिगेशन के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो लेवलिंग है उसको हम लोग लेवलर के थ्रू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लेवलर का हेल्प करके हम लोग मिट्टी को कैसे प्लेन कर रहे हैं। और याद रखना अगर मिट्टी प्लेन होगा तो इसमें बहुत आसानी से हम कोई भी बीज को बो सकते हैं या फिर हम लोग पानी को इरिगेट कर सकते हैं। समटाइम मैनुअल इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी हम लोग खेत जोतने से पहले उसमें हम लोग मैनुअल को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं? दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनुअल विद सॉइल। जो आपका मैनुअल है वो आसानी से बहुत अच्छे तरीके से जो मिट्टी है उसके अंदर मिक्स हो जाए। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सॉविंग। हम लोग जो बीज को बोने से पहले सॉइल में पानी भी देते हैं जिसके वजह से जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए और बहुत आसानी से जो हम लोग बीज है जो सीड है उसको बो ले।